तो क्या होता है, जब तक हमें यही नहीं पता हो कि साधु कौन है, तो हम अपने जीवन को साधु कैसे बनाएंगे। प्राय विश्व में यह प्रचलित है, साधु वो है जिसकी बड़ी दाढ़ी होती है, बड़े बाल होते हैं, सैफ्रन कपड़े में होता है, प्राय लोग उनको साधु कहते हैं। जैसे एक दिन मैं मेट्रो में जा रहा था, तो एक माता जी अपने बच्चे को पकड़ रही थी, उधर मत जाओ उधर साधु है, उधर मत जाओ उधर साधु है। अभी फिर बोलती है, चुप नहीं होगा तो मैं दे दूंगी साधु महाराज को, वो ले जा करके तुझे दंड देंगे। बचपन में बच्चों को डराया जाता, सो जा वरना बाबा जी उठा कर ले जाएंगे, झोले में डाल कर ले जाएंगे। तो ये ट्रेनिंग ही गलत दी जा रही शुरुआत से। साधु झोले में डालकर बच्चे का क्या करेगा है? तो वो तो साधु नहीं हुआ, वो तो साधु के वेश में कोई चोर होगा जिसने ऐसा किया होगा। लेकिन आज तक भी माता जी डराती, सो जा वरना बाबा जी के साथ दे दूंगी, चोर साधु के पास पकड़ा दूंगी, साधु ले जाएंगे। ऐसे करके साधु की इतनी निंदा करी गई है कि साधु बनने में कोई भी नहीं चाहेगा। जैसे प्रभु जी का बेटा दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, अगर मैं बोलूं प्रभु जी इसको इस्कॉन मंदिर भेज दो फुल टाइम, आप मना कर दोगे। पर मैं आपको बताऊं, हमारे इस्कॉन में 1000 बच्चे IIT और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सैफ्रॉन कपड़े में साधु बनकर प्रचार करते हैं, फिर आप क्यों नहीं दोगे? क्योंकि आपको लगता है साधु बनना ठीक नहीं है, चोरी गिरी होती है तो साधुगिरी। तो हमें तो बनाना है, IIT इंजीनियर बनाया, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ के आया, नोट कमाएगा, गूगल में जाएगा, ये क्या करेगा साधु बन के? माँ बाप का इतने साल हमने पाल पोस के बड़ा किया है। डिवोटी बनने के बाद, घर में कार्यक्रम कराने के बाद भी हम साधु बनने को तैयार नहीं है, और बात कर रहे हैं हम साधु बनना चाहते हैं। वी आर वेस्टिंग अवर टाइम। चाहे कितने बड़ी भगवान की मूर्ति लगा लो मार्बल की, एंड साधु बनना नहीं चाह रहे हैं तो वेस्टिंग अवर टाइम। इवन इन टेम्पल, मंदिर जाने के वाले घर में राम सीता की मूर्ति लगा के, राधा कृष्ण की, बोलो अपने बच्चे को साधु बना दो, नोबडी इज रेडी। सोचिए जिसके माता पिता ने साधु बनाया, उसके माता पिता कितने विरले होंगे, स्पेशल होंगे। मैं लंदन से पढ़ के आया और मैं अगर साधु बन जाता हूं तो किससे माता पिता को अच्छा लगेगा? क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी है कि साधु वो होता है जो सब कुछ छोड़ छाड़ देता है। लेकिन सच्चाई में साधु वो नहीं है जो सब कुछ छोड़ देता है। साधु जींस टी शर्ट में भी हो सकता है, साधु धोती कुर्ते में भी हो सकता है, साधु ग्रस्त में भी हो सकता है, साधु सन्यासी भी हो सकता है, और साधु ब्रह्मचारी भी हो सकता है। साधु का मतलब है जो भगवान के भजन की साधना करता है, सुबह उठ करके बोलता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गर्भवती साधु है, स्त्री हो तो साध्वी और पुरुष हो तो साधु। साध्वी मतलब बनने का मतलब शादी नहीं करूंगा ना, ऐसा तो नहीं है। तो फिर साधु बनने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों आप मना करते हैं अपने बच्चे को साधु बनने से? क्योंकि आप साधु की परिभाषा नहीं जानते, ना खुद बने हैं ना बनने देंगे, और जो बनने चलेगा उसकी टांग खींचेंगे, अरे ये कोई उम्र है साधु बनने की? तो साधु है क्या? श्रीमद् भागवतम के 3rd स्कंद के 25वें अध्याय में 21 नंबर श्लोक आता है, जिसके अंदर साधु की परिभाषा दी गई है श्रीमद् भागवत में, कि कैसे किसी व्यक्ति को चेक करें। इतने सारे बाबा जी महाराज हैं वर्ल्ड में, तो कौन सा सही है? आर्ट ऑफ लिविंग भी है, ओम शांति भी है, ब्रह्म कुमारी, बहुत सारे सदगुरु भी हैं, शंकराचार्य भी हैं, बहुत सारे हैं, वैष्णव भी है। तो हम किसी सोसाइटी के निंदक या क्रिटिक नहीं है, जो भी है जैसा भी है ठीक है। लेकिन जिस भी सोसाइटी का हो, जिस भी पथ का हो, लेकिन उसको ये गुण होने चाहिए, 8 गुण बताए गए, 8 सिम्टम्स ऑफ अ साधु। ग्रस्त भी हो सकता है, ब्रह्मचारी भी हो सकता है। अगर ब्रह्मचारी तो मंदिर में रहेगा, ग्रस्त तो घर में रहेगा। मैं घर पे रहता हूँ, मंदिर में नहीं रहता, लेकिन साधना करने के लिए गुण तो अर्जित करने पड़ेंगे। आप खाओ पियो ऐश करो मित्रो और फिर कहो हम भी साधु हैं, वो नहीं। जैसे आप लोगों ने परिभाषा दी, जो शरीफ है, शरीफ तो बहुत सारे होते हैं, नवाज शरीफ भी शरीफ था, लेकिन शरीफ होना नहीं। शरीफ तो एक बाई बर्थ एक नेचर है, पर साधु शरीफ नहीं है। साधु का मतलब क्या है? तो इस श्लोक में बताया गया, तितिक्षवा बोलिए, कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम
अजात शत्रु शांत साधव साधु भूषण। ये आठ लक्षण बताए गए। पहला है तितिक्ष्व। तितिक्ष्व का मतलब क्या है? तितिक्ष्व का मतलब है सहनशील, टॉलरेंट। टॉलरेंट होना चाहिए। साधु को एक घंटा बिठा दिया और साधु का है, अरे लाओ भाई भोजन, लाओ ला, हम चले अपने 50 काम है हमारे। कह रहे महाराज जी बैठे थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा, बच्चे हैं, घर गृहस्थी है। क्या बच्चे कर, बुलाया क्यों टाइम पर भी जब इतनी देर करनी थी तो? कह महाराज थोड़ा सहन तो करिए, ए सी चलाइए, बड़ी गर्मी हो रही है ना। गाड़ी लेने भेजिए ना हमको, बोले आएंगे 10 बजे, पहुंचे 10:30। अरे कोई टाइम है आने का, हम नहीं जाते ऐसे, टाइम के पक्के हैं हम, नियम होते हैं हमारे सुबह उठने के, सोने के, खाने के। सहनशीलता ही नहीं, थोड़ी थोड़ी बात पर रुष्ट हो जाते हैं। बोले गुरुजी को खाना दे तो वरना गुस्सा हो जाएंगे। मैं कहता हूँ अगर गुस्सा हो जाएंगे तो गुरुजी कैसे हैं वो जो गुस्सा ही हो जाएंगे? तो गुरुजी कह रहे हैं साधु ही नहीं है, नकली आदमी को खाना खिलाते रहो। अरे पंडित जी आएंगे नाराज हो जाएंगे, टाइम पे नहीं मिलेगा। तो पंडित जी कहाँ है वो? नकली आदमी खाना खाने आ रहा है, तो आप भी खा लो, अपने घर में खिला लो, इससे अच्छा पशु को खिला दो। साधु का पहला लक्षण है तितिक्ष्व, सहनशील होना चाहिए। कितना सहनशील होना चाहिए? एक शिष्य गुरु जी के पास गया, बोला गुरु जी दीक्षा चाहिए आपसे। गुरु जी बोले ठीक है दीक्षा दूंगा, कल सुबह स्नान करके आ जाना। तो स्नान करने के लिए गंगा नदी में गया, गंगा नदी से स्नान करके आ रहा था, एक शिष्य की सेवा लगा दी कि बोले तुम्हें क्या करना है? बोले झाड़ू से जब वो नहा के आए तो धूल उड़ानी है। तो वो आया नहा करके, तिलक लगा के दीक्षा लेने के लिए तैयार होके मंत्र पढ़ता हुआ आ रहा था, रास्ते में उसने झाड़ू मार दी, मिट्टी उड़ी तो उसने पकड़ लिया, उसको कहता है ओ जमादार, तुझे पता मैं कौन हूँ? ब्राह्मण, मैं जा रहा हूँ दीक्षा लेने आज, मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। एक लगा के चाटा मारा झाड़ू वाले ने, आके बता महाराज जी ऐसे ऐसे महाराज, कह रहे दीक्षा लेने आए हैं, कह रहा कहा तितिक्ष्व कहाँ है, सहनशीलता कहाँ है, तुमने उसको क्यों मारा? उसका कर्तव्य है झाड़ू लगाना, रोड पर उसकी धूल उड़कर लग गई तो इसमें उसकी क्या गलती है, तुमने मारा क्यों? कह रहे गुरु जी मेरी दीक्षा के सारे कपड़े खराब कर दिए। कहा तुम्हारे कपड़ों से ज्यादा उसकी इज्जत जरूरी थी कि तुम्हारे कपड़े जरूरी थे? लोगों की छोटी सी गाड़ी पे टक्कर लग जाए, तिलक लगा के भाई साहब बाहर निकलेंगे, हरे कृष्ण लिखा होगा पीछे और एक झापड़ लगा देंगे, तो काय बात के साधु? बोले मेरी गाड़ी पे मार दिया तो क्या हम सहन करते रहे? बोले हाँ तितिक्ष्व सहनशीलता गुण, साधु को पहला लक्षण करो सहन। पति माला कर रहा है तो पत्नी को सहन नहीं हो रहा है, अरे खाना बना, खाने का टाइम है, बैठे माला कर रहे हैं। या पत्नी ग्रंथ पढ़ रही है तो पति कह रहा खाना बना दो, ग्रंथ ही पढ़ती रहोगी, तो सहन ही नहीं है, तो साधु कहाँ है? तो दूसरे दिन फिर वो इतने स्नान करने गया, बोला गुरु जी ने कहा तुम अभी सहनशीलता नहीं, जाओ स्नान करके आओ। आज के दिन बोले उस जमादार से सारी पत्ते कूड़ा जितना है उसकी टोकरी इसके सिर पर डालना जब आए। वो आया नहा धो के तिलक लगा के, बोला आज कुछ भी हो झाड़ू हो धूल हो सहन करूंगा। उसने पहले झाड़ू उठाई, सहन कर गया, फिर दूसरा आगे बढ़ा तो दूसरे ने आके टोकरी पत्तों की और कूड़े की भरी उसके ऐसे करके फेंका उसके ऊपर पूरी, गुस्सा मारा ये मर लात मार, तूने मेरा आज का भी सारा प्रोग्राम खराब कर दिया। फिर गुरुजी के पास, गुरुजी बोले अभी नहीं। तीसरा दिन आया, गुरुजी ने कहा फिर सहन करो, तो फिर वो स्नान करने गया, आज बोला गोबर होता है ना उठाकर इसके ऊपर डाल देना, गोबर उठा करके उसके ऊपर से करके फेंका पूरा। अब इसने बोला साधु 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 गोविंदा गोविंदा, कहते गुरु जी के बदला गुरु जी आज दीक्षा समारोह नहीं हो पाएगा, शरीर में पूरा गोबर लगा है, आज मैं स्नान करके आया लेकिन रास्ते में ऐसे हुआ, मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरु जी बोले तुम्हें स्नान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम्हारे हृदय में पूर्ण रूप से स्नान हो चुका है, अंतर मन से शुद्ध हो गए, तुम दीक्षा भी प्राप्त करो, तुम्हारा नाम है कृष्णदास। तो ये है तितिक्ष्व। कारुणिका, कारुणिका, कारुणिका मतलब है करुणावान, मर्सीफुल, दया, जिसके अंदर दया नहीं है। बोले वो कई संप्रदायों में लहसुन प्याज खाते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं, कई सिख संप्रदाय है या कोई ऐसी संप्रदाय है, सारे लोग नहीं है लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, हिंदुओं में भी है नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कई संप्रदायों में नॉनवेज भी खाया जा रहा है, वो जीवों के प्रति हिंसा कर रहे हैं, करुणावानी नहीं है। या फिर कुछ गुरुजी हैं उनसे मिलने के लिए टाइम लेना पड़ेगा,
और उसमें लेवल है 5,000 रुपये में, 10,000 रुपये में, 15,000 रुपये में, 20,000। 20,000 वाला जो है वो 2 मिनट रुक सकता है, उसके बाद अपने आप लगा लो कितने कितने मिनट है। 1 लाख से 2 लाख रुपए वाला जो है वो चरणों को छू सकता है ना। आप लोग आकर ऐसे छू लेते फ्री में, ऐसे मत क्या करो, उनको फॉलो करो। मंदिर को दान दो हमारे इस्कॉन द्वारका को। तो 2 लाख रुपए में पैर छू सकते हैं। 5 लाख रुपए में आप राखी बांध सकते हो उनको। अगर राखी बांधेंगे तो 5 लाख रुपए दे दिए, फिर आप उनके कमरे में जाएंगे, आपको राखी बांध सकते हैं और आप उनके साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, मित्र बना सकते हैं, भाई बना सकते हैं, जो भी बनाना है जैसे। तो रूपी वाइज है। तो एक में करुणा कहाँ है? करुणा कहाँ? करुणावान कैसा होता है कि पैसा है नहीं है, दे रहा है वो तेरा नहीं, वो मुझे नहीं दे रहा है। किसको दे रहा है? भगवान को दे रहा है, मुझको नहीं दे रहा है। और अगर देना भी चाह रहा है मुझको तो वैष्णव सेवा कर रहा है, हम मांग कर नहीं कि हाँ बिलोरे प्रभु प्रोग्राम करना है, हाँ 11,000 का चेक तैयार रखना, मैं आऊंगा, मेरे बैंक में डलवा तभी आऊंगा मैं। अच्छा सुनील प्रभु पैर छूगा तो 1 लाख ले आना फिर। नहीं, आपने 1 लाख दिए माता जी चेक करना, 1 लाख आ गए अकाउंट में, आप छू लो। ऐसा सिस्टम तो नहीं है, लेकिन ऐसा है, ऐसा है। दूर से आपको टीवी पर देखते हो, सोचते हो कि बड़े अच्छे हैं, आप लेक्चर सुन रहे हो, बड़ा सत्संग चल रहा है, उनके पर्सनल जाएंगे, उनको ढूंढेंगे तो बड़े बड़े महाराज जी, बड़े बड़े लेवल के लोग, आपको पता चलेगा ये सब नियम लगा रखे हैं अलग अलग संप्रदायों में। सारे ऐसे नहीं है, कुछ अच्छे वैष्णव भी हैं, लेकिन कलयुग के अंदर ऐसे लोग ज्यादा है। पैसा दो तमाशा देखो तो फिर हो सकता है। तो इस प्रकार से करुणावान नहीं है। और जो करुणावान है, जब वो करुणा करने चलते हैं तो समाज ऐसा है कि उनके ऊपर आरोप लगाता है। श्रील प्रभुपाद कहते थे जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह, आपको पता है ईसा मसीह का जीवन 13 साल की उम्र तक जेरूसलम में रहे और जेरूसलम से 13 साल के बाद गायब हो गए। एक बुक है 13 या 17 साल पे गायब हुए। तो एक बुक है, उसका नाम है 13 Lost Years of Jesus Christ। आप पढ़ सकते हैं गूगल मीट से, वर्ल्ड फेमस क्रिश्चियन कम्युनिटी ने लिखी है 13 Lost Years of Jesus Christ। कहाँ थे जीसस? क्योंकि भगवान के बच्चे हैं, भगवान बाइबल में कहते हैं आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूँ। तो बेटा कहाँ आएगा भगवान से मिलने, और भगवान कहाँ है? बोले भारत भूमि में। तो अलग अलग स्थानों में ऋषिकेश, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी धाम यहाँ रहे, और जगन्नाथपुरी धाम में और इन साधुओं से ज्ञान प्राप्त किया। अब जब ज्ञान मिल गया तो जाकर बोलेंगे ना, तो जब जाकर बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा बस बहुत हुआ तेरा, अब बंद कर इसको नाटक को, और क्रूसीफाई कर दिया। एक जो व्यक्ति धर्म प्रचार कर रहा था उसको माथे में सूली, माथे में कील डाल करके सूली पर चढ़ा, गले में गर्दन में रस्सी भी नहीं, माथे में कील। आप सोचिए पेन, लेवल ऑफ पेन, पैर में डाली, हाथ में डाली, तब तक भी सहन हो रहा था, सीधी नेल माथे के अंदर। और उन्होंने अपने अंत समय में क्या कहा? ये जानते नहीं है ये क्या कर रहा है, ये है वैष्णव। प्रभुपाद जी कहते ईसा मसीह वाज़ अ ग्रेट वैष्णवा, क्योंकि उसके अंदर तितिक्षवा है ना। करुणा करने जाओगे तो लोग मारेंगे। आज मैं प्रचार करने जाता हूँ, बहुत सारे लोग क्रिटिक्स मिलते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं जा रहा है नहीं जा रहा है, यहीं से मारे, ऐसे भी होता है। एक बार हमारे कुछ भक्त पुस्तक वितरण करने गए नोएडा में, तो एक व्यक्ति घंटी बजाए, बोले पुस्तक लेंगे भगवत गीता? कह रहा हाँ लूंगा, 2 मिनट रुको। अंदर गया, रिवॉल्वर लेके आया, कहता बोलो महाराज जी आज ही प्राण त्यागोगे या चले जाओगे? तो भक्त बोले गीता रख लीजिए फिर चाहे मार दीजिए। लिया नहीं गीता, बोले गोली खाकर जाओगे कि चुपचाप चले जाओगे? ये तो आज के लोगों का है, क्या बिगाड़ रहे थे उसका? घंटी बजाई थी नहीं लेना, बोल दो कि नहीं चाहिए, गोली निकाल के डराना, क्योंकि साधु है ना। तुझे बताऊं अभी सोचते वीकर सेक्शन है ना, साधु बनना वीकर हो गया ना, अब ये हाथ नहीं उठाएगा क्योंकि सहनशील है, तो इसको डराओ धमकाओ। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं साधु से भिड़ना मत, साधु बहुत शक्तिशाली होता है, उसके मंत्रों में इतनी शक्ति भस्म कर देगा, लेकिन वो करता नहीं है क्योंकि वो दयावान है, करुणा है उसके अंदर, वरना वो चाहे तो 1 मिनट में पूरे समाज को नष्ट कर सकता है। चाणक पंडित ने यही कहा था, शिक्षक को साधारण मत समझना, शिक्षक साम्राज्यों की रचना कर सकता है, बड़े बड़े राजाओं को खड़ा कर सकता है, खत्म कर सकता है, पर साधु वृंदावन में अकेले भजन करते हैं, देखने में लगता है बड़े गरीब से हैं, जमीन में सो रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास शक्ति नहीं है, इसलिए कि वो चाहते नहीं है, इच्छा नहीं है, करुणावान है। श्री हरिदास ठाकुर 22 बाजारों में मारा गया, 22 बाजारों में। क्यों? मुस्लिम खानदान में जन्म हुआ, जप करते थे हरे कृष्ण, क्या बिगाड़ रहे थे किसी का?
तो मुसलमान लोगों ने बोला, अरे तो हरे कृष्णा करता है, इसको मारो। तो काजी ने कहा इसको ऐसे नहीं मारो, पब्लिक में मारो, ताकि पब्लिक को पता चले अगर हमारे धर्म के खिलाफ गए तो ये होगा, तीन चार मार्केट में मर जाएगा। तो गार्ड्स को हाथ में हंटर पकड़ाया गया, बोले मारो। तो एक बाजार में, दो बाजार में, तीन बाजार में, ऐसे 22 अलग अलग सेक्टर, एक द्वारका, सेक्टर दो द्वारका, सेक्टर तीन द्वारका, हर मार्केट में रोका जाए और मारा जाए कोड़ों से। सेक्टर 22 तक प्राण ही नहीं बचेंगे आदमी के, 22 बाजारों में। लेकिन हरिदास ठाकुर के 22 बाजारों तक प्राण बचे रहे। तो उन्होंने क्या, रोने लग गए जो मारने आए थे ना कोड़ा जल्लाद, कहते मरता क्यों नहीं, तू नहीं मरेगा तो हम मरेंगे, तो तू मर जा। तो हरिदास ठाकुर के मन में देखिए कितनी करुणा है, बोले ठीक है ये मरेंगे मेरे कारण तो मैं ही मर जाता हूं। तो उन्होंने आंख मुंह बंद कर लिया, सिद्ध पुरुष थे, आंख मुंह बंद कर लिया, ऐसा लगा मर गया। तो काजी को जाकर बोला, काजी मर गया मर गया मर गया मर गया। काजी आया बोला ऐसे आदमी को ना ही दफनाया जाएगा ना ही जलाया जाएगा, ऐसे पापी को, काफिर को, जिसने हमारे धर्म के विरुद्ध हरि नाम लिया है, पानी में फेंक दो। पानी में फेंक दिया, हाथ में हथकड़ियां डाल के, पैर में बेड़ी डाल के, ताकि तैर ना सके अगर वो जिंदा हो जाए तो। लेकिन फिर भी श्री हरिदास ठाकुर तो ब्रह्मा जी के अवतार हैं, स्वयं ब्रह्मा जी कलयुग में हरिदास बन के आए। वो ब्रह्मा जी जो थे वो तैर कर उस पार निकल गए, बेना पॉल जगह का नाम है। वहां पर पता चला लोगों को कि हरिदास बच गया है, बोले अच्छा इतने मारने भी बच गया। तब चैतन्य महाप्रभु मिलने गए, जब चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है कलयुग में मिलने गए, तो महाप्रभु ने से गले लगाया, हरिदास तुमने मेरे कारण इतना कष्ट सहे। तो क्या देखता है हरिदास कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की पीठ पर खून निकल रहा है। बोले प्रभु आपकी खून कैसे निकल रहा है? तो महाप्रभु कहते हैं क्योंकि जितने कोड़े तुमको मारे गए उतने सारे कोड़े मैंने अपने ऊपर सहन किए, क्योंकि तुम मेरा नाम जप कर रहे थे और जो मेरा नाम जप करता है मैं उसका आलिंगन कर कर बैठ जाता हूं, तो तुम पर लगे नहीं, मेरे पीठ पर लगे। तो जब आप करुणावान होते हैं तो ये सहन करना पड़ता है। क्रिटिक्स, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर प्रचार करने जाते थे, लोग बोलते थे आ गए सीबीआई के एजेंट, अब ये यहां पर कुछ घरों में झांक रहे हैं, क्रिटिसाइज करते थे। हम लोग भी प्रीचिंग करने जाते हैं, लोग ये तो जानते नहीं कि पढ़े लिखे समझदार एक शास्त्रिक निर्णय लेकर के साधना कर रहे हैं ताकि समाज का कल्याण कर सके। उनके हिसाब से साधु मतलब जिसकी नौकरी छूट गई हो, साधु मतलब जिसकी बीवी भाग गई हो, साधु मतलब जिसके बच्चों ने धक्के मारे घर से निकाल दिया हो, कुछ नहीं मिला तो कटोरा लेके भीख मांगने लगे, ये साधु। ये भारतीय लोगों की सोच है। लेकिन इस्कॉन ने यह बात स्थापित करके दिखाई पूरे वर्ल्ड में कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग अगर किसी कम्युनिटी में है तो केवल और केवल इस्कॉन के अंदर। इसका मतलब साधना करने से साधु होता है, गरीबी से साधु नहीं होता है। जितने भी साधु हैं यहाँ, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं बना। मुझसे कोई पूछे आपको क्या कष्ट हो गया अब साधु बन गए, मैं कहूंगा मुझे यह रास्ता उत्तम रास्ता रखा, इससे ऊपर कोई रास्ता ही नहीं है। तितिक्षवाहा करु ने कहा सुहृदम, साधु का थर्ड लक्षण है सुहृदम, सबका मित्र होता है। सुहृदम का मतलब है हाँ सच्चा मित्र। तो किसी को सलाह दो तो वो वाली सलाह मत दो जिससे उसका घाटा हो, ऐसी सलाह दो जिससे उसका फायदा हो। तो सच्चा मित्र कौन है आज के जमाने में? जो भक्ति का रास्ता दिखाए, और जो भक्ति से खींचे वो सच्चा मित्र नहीं, वो धोखेबाज है। जो कहे ना आपको अरे क्या तुम ये माला वाला इस्कॉन के चक्कर में लग गए क्या, अप्रोच के घर में कार्यक्रम होगा, फोटो डालेंगे व्हाट्सएप में, आज हमारे घर कार्यक्रम था, तो रिश्तेदार में तीन चार निकल आएंगे, अरे ये सब क्या तुम भी लग गए क्या इनके चक्करों में। तो वो व्यक्ति आपका रिश्तेदार नहीं है, याद रख लेना। कहाँ, वो कोई भी हो सकता है, माँ पिता, सास ससुर, नाना नानी, चाचा चाची, दादी दादा, कोई भी हो। जिसने आपको ये बोला भगवान की भक्ति मत कर, वो गुरु ही क्यों ना हो, उसको त्याग देना चाहिए उसी बल, अगर आप सच में भगवान को चाहते हो। नकली आदमी के लिए तो फिर वो रिश्तेदार करता रहेगा, मर जाएगा एक दिन। इतने चले गए राजा रंग फकीर, हम भी चले जाएंगे। लेकिन सच्चे मित्र की तलाश करना बुद्धिमानी है, बुद्धिमानी है। ओनली इंटेलिजेंट कैन फाइंड द रियल फ्रेंड्स, है ना। हु इज माई रियल फ्रेंड, हु कैन टेक मी टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। बलि महाराज के गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने मना किया कि तुम वामन भगवान की शरण में मत जाओ, उन्होंने गुरु जी को त्याग दिया। बोले भगवान की शरण में जाने से रोकता है? प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकश्यप, भगवान की शरण में जाने से रोका, पिता रिजेक्ट कर दिए। विभीषण के भाई रावण, भाई ने भगवान की शरण में रोका, भाई रिजेक्ट कर दिया।
ध्रुव के माता पिता ने रोका, उन्होंने माता पिता रिजेक्ट कर दिया। जो भी भगवान की शरण में जाने से रोके उसको रिजेक्ट कर देना ही आपका समझदारी है, अदरवाइज आप कभी भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे। गृहस्थी में सुख से भी मर गए ना तो कुछ नहीं मिलने वाला, कि बड़ा मैंने मेहनत करी, बच्चों को सेटल किया, अमेरिका भेजा, मैंने खिलाया पिलाया, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ये धर्म नहीं है? नहीं, ये धर्म नहीं है, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा ये धर्म है। ये धर्म तब है जब इसके अंदर कृष्ण केंद्र हो। हम बच्चों को खिला रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, पर सुबह उठ के प्रणाम कराते हैं तो ये धर्म है। सुबह उठकर बोलते बेटा भगवान का प्रणाम करके जाना स्कूल, तो ये धर्म है। पति पत्नी दोनों मिलाकर भगवान का भोग लगा के खाते हैं तो ये धर्म है। तब पत्नी को पति की और पति को पत्नी की ख्याल रखना है। लेकिन अगर भगवान केंद्र नहीं है, आते ही LCD चल गया, उसमें क्रिकेट मैच चल रहा है, कभी न्यूज चैनल में न्यूज चल रही है, कभी साइंस फिक्शन देख रहे हैं, कभी 3D देख रहे हैं, कभी वीडियो गेम चल रहे हैं, हा हा ही ही ही, कोल्ड ड्रिंक चल रही है, थम्स अप चल रहे हैं, पेप्सी चल रही है, घरों के अंदर खा रहे, ये कोई घर है? ये तो वन है, तो जानवरों का जैसा है। कभी चिल्ला रहे हैं, आवाजें आएंगी, तू चुप हो जा, बंद कर दे TV, मैं बोल रही हूं ना, ये वन है, ये तो जानवर लड़ते हैं ऐसे करो, कीर्तन की कभी ध्वनि नहीं आती है। तो वो सुहृदम नहीं है आपके, जो भी आपको रोक रहे हैं भक्ति से। तो जो आपको भक्ति में सहायता करे, अनुकूलस्य संकल्प, उनको पकड़ लो, प्रतिकूलस्य वर्जनम, उनको छोड़ देना चाहिए, बेटर यही है। समय निकल जाएगा, इतने सारे चले गए कोरोना में, नहीं किया उन्होंने, है ना। मैंने अपने कितने सारे मित्रों को शरीर छोड़ते देखा है, समझाने पर भी कि ये एक रास्ता है, 16 वाला जप करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, घर में भगवान की भक्ति करो। हम ये नहीं कह रहे नौकरी छोड़ दो, हम ये नहीं कह रहे पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, रहो सबके साथ में, परंतु कृष्ण को केंद्र बना के रखो। लेकिन नहीं माने, मर गए, क्या पा गए? कुछ नहीं। क्या लेके आए थे, क्या लेकर जाएंगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। भक्ति लेकर जा सकते थे, उसे किया नहीं। और सुहृदम एक का नहीं होता है साधु, सर्वदेही नाम। आप कहेंगे सर्वदेही नाम मतलब? जिस भी व्यक्ति की जो भी योनि हो, उस योनि में 84 लाख योनियों के प्रति जिसका प्रेम हो वो साधु है। अब कई ऐसे इस्लामिक धर्म के लोग हैं, मौलवी हैं, लेकिन मांस खाते हैं, तो सर्वदेही नाम कट गया। क्रिश्चियन है, ईस्टर बना रहे हैं, पादरी है, फादर है, पोप है, पर मांस खा रहे हैं, तो सर्वदेही नाम कट गया, तो फिर कैसे हुए साधु? आप बोले वो क्रिश्चियन के साधु या हिंदू के साधु, ना ना ना, सर्वदेही नाम, सारी लिविंग एंटिटीज के प्रति उनका प्रेम होना चाहिए। यहां तक कि चींटी भी नहीं मारता है साधु, मच्छर भी नहीं मारता है। घर में ऑल आउट लगा रखा है, रैकेट रखे हुए, मच्छर खट खट चर चिर 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 खट मारे जा रहे हैं, फिर आप साधु कैसे हैं? साधु कैसे? सर्वदेही नाम। श्रील प्रभुपाद ने कहा अगर एक कॉकरोच को भी मारते हो, अगले जन्म में आपको कॉकरोच या मॉस्किटो बनना पड़ेगा। यू कांट किल एनी लिविंग एंटिटी, क्योंकि आपने अगर किसी भी जीव जंतु को मारा, उस जीव की मान लो 5 दिन की उम्र थी या 10 दिन की उम्र थी, और उसको आपने पहले दिन में पैदा होते ही मार डाला, तो 9 दिन उसकी उम्र घट गई, तो उसको दोबारा शरीर लेना पड़ेगा 9 दिन भोगने के लिए, फिर उसको मार दिया, फिर 9 दिन, उसको कितनी लंबी आयु हो जाएगी अगर बार बार मरता रहा हो तो? एक ही योनि में उसको कितनी बार उस जीवात्मा को भटकना पड़ेगा? और हम उसके भागीदार हैं, तो फिर हमको भी वो बनना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए एक भी लिविंग एंटिटी को नहीं मारना। शास्त्र में आती है मृगरारी की कथा, कि मृगरारी जो था वो हिरणों को काट देता था और हलाल नहीं करता था, वो क्या कहते हैं, झटका नहीं करता था, हलाल करता था, यानी कट लगा देता था और ब्लड निकलने के लिए छोड़ देता था, और जब पूरा ब्लड निकल के तड़प तड़प के हिरण मर जाते थे तो फिर उनकी स्किन निकाल कर बेचता था और मांस खाता था। तो नारद जी ने देखा, बोले क्या करते हो? साधु देखकर हैरान हो गए कि जीव सर्वदेही नाम, सारे लिविंग एंटिटीज का प्रेमी होता है ना। नारद जी तो घबरा गए देख के, बोले क्या है? मृगरारी, मृगरारी नाम ही उसका, इसलिए मृगारी यानी मृग का दुश्मन था, मृगारी। मृगारी से बोला तुम क्यों मार रहे हो? कहा मेरा जीवन है, बचपन से जब पैदा हुआ मेरे पिता भी ये करते थे, मैं भी ये करता हूँ, वो भी बुच्चर थे, हम भी बुच्चर हैं। बोले जिसने मुंह दिया है वो खाना भी देगा तुमको, यह जीव हत्या नहीं करनी चीज का गहरा पाप है। कह रहे पाप तो परिवार के लिए करते, जितनी भी आदमी चीटिंग करता किसके लिए करता है? घर में अच्छे रहें, बच्चों का सेटल हो जाए, उनके स्कूल की फीस चली जाए, कॉलेज की फीस चली जाए, उनका एक बार सेटलमेंट हो जाए, उसके बाद देखी जाएगी साधु बन जाएंगे। चीटिंग करता है, खूब झूठ बोलता है। तो उन्होंने कहा जाओ अपने परिवार से पूछो क्या वो तुम्हारे पाप के भागीदार हैं। तो आए पूछने, पति से पत्नी ने पूछा, पत्नी से तुम मेरे पाप की भागीदार हो? कहती मैं क्यों, मैं सुख की भागीदार हूँ, पाप की नहीं। बच्चों से पूछा, बोले ना
माता पिता से पूछा, बोले हमको क्या पता तुम मेहनत करके लाओ या जानवर मार के लाओ, हमको हम पाप के भागीदार क्यों बनेंगे। एकदम टूट गया। वापिस आया, बोला मैं आज ही इस कार्य को छोड़ने को तैयार हूँ, पर मेरे भोजन का क्या होगा, चलो मैं तो चला लूंगा, मेरे परिवार के भोजन का क्या होगा। तो उन्होंने कहा एक बार गुरु की श्रद्धा तो रखो। क्या रखो? क्या रखो? श्रद्धा, समझते हैं? फेथ। फेथ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ भक्ति। श्रद्धा ही नहीं होती लोगों, श्रद्धा नहीं होती है। मान लीजिए यहां पर एक चिंगारी निकल जाए और मैं कहूं रुक जाइए अभी मैं इसे रोक देता हूं, आपको विश्वास नहीं, आप कहेंगे नहीं नहीं प्रभु जी हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी कहाँ प्रॉब्लम, दौड़कर भागेंगे, भागेंगे देखते हैं एसी का स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि आपको लगता है साधु मतलब खाली बोल रहे हैं, अच्छे सात्विक आदमी थोड़ा घर में आ जाते हैं, से थोड़ा माहौल थोड़ा कूल एटमॉस्फेयर हो जाता है, कभी कभी आ जाना चाहिए, ऐसे चरण पड़ जाए, पर इनमें इतनी शक्ति कि ये फायर रोक देंगे, ये तो हमारे विश्वास से परे की बात, क्योंकि विश्वास नहीं है, ही कैन डू एनीथिंग। ऐसा विश्वास फेथ कि गुरु के वाक्यों पर, हाँ वो बोले बटन बंद करो देखो तो देख लो, ये भी नहीं कि आंख बंद करके बैठ गए, अंधविश्वास नहीं करना पर विश्वास करना है, अगर वो बोले बंद करो तो बंद कर दो, बोले रुको तो रुक जाओ। तो ये विश्वास फेथ, तो उसका फेथ था, बोला ठीक है नारद जी मैं आप पर विश्वास करता हूं, मैं कोई काम नहीं करूंगा। खाना? बोले भगवान भेजेंगे। ठीक है क्या करूं? बोले जप करो, चैंटिंग माला पकड़ ली, पेड़ के नीचे बैठ गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जप करने। अब जप करने से क्या हुआ, पूरे गांव में खबर फैल गई, एक जो जानवरों को मारता था ऐसा पापी तापी बदल गया, साधु बन गया है, चलो उसको कुछ खाना दे। तो लोग अपने अपने घरों से सात्विक भोजन बनाकर उसके लिए लाने लग गए, एक घर से नहीं फिर गांव से मल्टीपल गांव में फैल गई, लोग उसके दर्शन करने और पैर छुने लग गए, और इतना खाना आता था ड्रम भर के खाना आता था, परिवार के खाने के बाद उसका जो लोकल गांव था वो सब खाना खाता था, फूड फॉर लाइफ कार्यक्रम चालू हो गया, इतना प्रसाद आया। नारद जी एक दिन गुजरे वहां से अपने मित्र के साथ, अंगिरा ऋषि के साथ वहां गुजरे, तो उन्होंने कहा यहाँ मेरा एक भक्त रहता है जो पहले हिरण को मार के खाता था लेकिन अब साधु बन गया है। तो सामने से नारद जी को आते देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन गुरु को देखते ही दंडवत करना चाहिए, लेट जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो अंगिर ऋषि बोले कैसा शिष्य है प्रणाम नहीं किया, बोले आप देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा था, जो चादर पहना था उससे मिट्टी साफ कर रहा था। बोले क्यों साफ कर रहे हो, बोले कहीं मेरे प्रणाम करते वक्त नीचे कोई चींटी ना मर जाए, इसलिए पहले साफ कर रहा था फिर प्रणाम कर रहा था, ऐसा बदल गया। सर्वदेही नाम, किसी भी जीव जंतु के प्रति मारने की इच्छा नहीं। आजकल लोग चूहे के लिए वो लगाते हैं माउस ट्रैप, एक होता है जिसमें जाली में बंद करते हैं और एक होता है जिसमें ग्लू वाला आता है, चिपक जाने से वो निकल नहीं पाते, उनको बाहर छोड़ाते चील के वो खा जाते, यानी आपने चार तीन जो भी चूहे चिपकाए उनकी जीव हत्या। क्लीनलीनेस रखो अपने घर के अंदर, चूहे तो उनको ट्रैप माउस ट्रैप में पकड़ लो जाली में फिर छोड़ दो, लेकिन चिपका के मार देना सोचो। घर में पहले कबाड़ा रखते हैं फिर उसमें चूहे पलते हैं, जब चूहे पल जाते हैं फिर उन्हें मारते हैं, इसी कर्म के रिएक्शंस में हम घूमते रहते हैं। तो सूरदम सर्वदेही नाम, अजात शत्रु, किसी का शत्रु नहीं होता, किसी का शत्रु नहीं होता और उसका कोई शत्रु नहीं होता, और अगर कोई शत्रु बनकर उसे मारने भी आए तो तितिक्षवा सहनशील होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता, लेकिन साधुओं के बहुत शत्रु हो जाते हैं। तो अजात शत्रु का मतलब यह नहीं कि शत्रु नहीं होंगे, शत्रु तो होंगे लेकिन वो अपने मन में शत्रुता का भाव नहीं रखेगा। जब हम प्रचार करने जाते बहुत शत्रु हो जाते, मेरे तो बहुत ही शत्रु है, क्योंकि लोग कहते तुमने हमारा घर खराब कर दिया, तुम्हारी पुलिस रिपोर्ट करा देंगे, कभी पत्नी कहती है पुलिस रिपोर्ट करा दूंगी तुमने मेरा पति बिगाड़ दिया, कभी पति कहता तुमने पत्नी बिगाड़ दी, हमारी गृहस्थी बिगाड़ दी तुमने। सच में एक दिन एक तो गुस्से में आके बोल रही थी, कहते पुलिस रिपोर्ट करा दूंगी याद रखोगे, मैंने करा दो 1000 रिपोर्ट पहले चल रही कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या करोगे, हमने किसी की गृहस्थी खराब करी है, अगर उसको भगवान का नाम दे रहे तो वो व्यक्ति अगर भजन कर रहा है तो गृहस्थी खराब होना है कि अच्छा होना है। पहले पति हाथ उठा देता था बात बात पर तो सहन नहीं होता था,
लेकिन अब हाथ नहीं उठाता है और माला करता है, ये तो बिल्कुल सहन नहीं हो रहा, ये तो बिल्कुल सहन नहीं हो रहा कि बात ही नहीं करते, किसी चीज का जवाब ही नहीं देते, चुपचाप माला, पता नहीं क्या हो गया इनको, सहन ही नहीं हो रहा अब तो, ये तो ओवर हो गया है। तो ऐसे में फिर व्यक्ति क्या आता है, सीधा कहता है दोषी कौन, किसका दोष? प्रभु जी का दोष, प्रभु जी ने माला पकड़ाई थी, कंप्लेंट लिखो प्रभु जी की, हुई है कंप्लेंट्स। Sometimes people use abusive language to me. फोन करेंगे हरे कृष्णा, मैं सोचूंगा घर से हरे कृष्णा, उधर से प्रभु जी या तो कोई माता जी, आपने ऐसा कर दिया, हमारे घर को खराब कर दिया, तुझे दोष लगेगा, मर जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, दोषी ये है वो। मैं कहता हूँ हरे कृष्णा, क्या करें? अब हमने प्रचार किया, उस आदमी ने घर पे जाकर कैसा व्यवहार किया, क्या किया, हमको क्या पता? हम तो क्लास दे रहे हैं जिसमें हजारों लोग बैठे हैं, उसने अपने जीवन में कैसे उसको अपनाया, क्या व्यवहार किया, हमको नहीं पता। पर वो इतने सोचता है दोषी कौन, मेरा अच्छा खासा पति था, पता नहीं कैसा नमूना हो गया, माला पकड़ के घूमता है, कैसी अच्छी पत्नी थी, रोज बढ़िया बढ़िया नॉनवेज के आइटम बनाती थी, कहती अब प्याज लहसुन भी नहीं डालूंगी, घर में स्वाद ही आना बंद हो गया। दोषी कौन? गुरु जी, प्रभु जी। तो अजात शत्रु, इसका शत्रु नहीं होता, बहुत शत्रु है, लेकिन इसके अंदर आता है चलो ठीक है, बेचारे नहीं जानते हैं। जीसस ने क्या कहा, ये जितना भी गलत कर रहे हैं ये नहीं जानते ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, प्रभु इनको क्षमा कर देना। ये अजात शत्रु का भाव है, अजात शत्रु अशांत पीसफुल। इतनी सब गड़बड़ हो फिर आदमी शांत रहे, देखिए साधु बनना सरल नहीं है, शांत रहना, कभी अशांत नहीं ना। एक दिन एक साधु कथा कर रहे थे, दाढ़ी वाले थे, तो नीचे कथा सुनने के लिए लोग आए थे, तो एक रो रहा था, तो उन्हें पूछा बेटी तुम इतनी भावुक होकर कथा सुन रही हो, रो रही हो, क्या मेरी कथा से तुम्हें रोना है? करे नहीं नहीं, कथा तो मैंने ज़्यादा ध्यान से नहीं सुनी, वो आपकी जो दाढ़ी हिल रही थी मुझे अपने बकरे की याद आ रही थी, हमारे बकरे के भी एक नीचे दाढ़ी होती थी, वो मेरे पिताजी ने बुचर को बेच दिया था, तो मुझे वो बकरे अपना बकरा स्मरण आ रहा था आपकी दाढ़ी देख, तब रो रही थी। एक कृष्ण राम जन्म चल रहा था और राम जन्म में रो रहे थे, तो राम जी को जन्म हुआ तो रो रहे थे, तो लोगों ने बड़ा बड़े भावुक, फिर पूरी रामायण कथा हो गई, अंत में भगवान राम का पुनर्अभिषेक हुआ अयोध्या में, तो अभिषेक की लीला में तो और उत्साही होना चाहिए, वो रो रहे थे। तो लोगों ने पूछा कि महाराज वन गमन हुआ तो रोते समझ में आता, सीता अपहरण हुआ तब समझ में आता, ये राज्य अभिषेक हो रहा तब क्यों रो रहे थे? तो उन्होंने अपने पार्षदों को बताया कि यही लोगों ने पहले भी मुझे कथा के लिए बुलाया, पिछली बार भी कोई दक्षिणा नहीं दी, इस बार भी लग नहीं रहा है क्योंकि 7 दिन निकल गया अभी तो कुछ नहीं दिया है, यह सोच सोच के मुझे रोना है ना। तो शांत का है, शांत, तुम दो तो तुम्हारा फायदा, ना दो तुम्हारा फायदा। शिल प्रभुपा जी को लोग बोलते थे प्रभुपा जी आपको लोग इतना सब कुछ देते हैं आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये तो मैं इन लोगों पर कृपा कर रहा हूं जो मैं इनके द्वारा दी गई चीज को स्वीकार कर रहा हूं ताकि इनका कर्म बंधन कट सके, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि साधु लालची है, इसको दे रहे हैं तो ये ले रहा है, साधु लेता है केवल ताकि तुम्हारा बंधन कट सके, वरना उसको क्या जरूरत है। पेरिस हिल्टन होटल पेरिस, प्रभुपाद लेक्चर दे रहे कॉन्फ्रेंस, रिपोर्टर ने पूछा स्वामी जी आप इतने बड़े वैरागी साधु हैं लेक्चर दे रहे हैं कॉन्फ्रेंस पेरिस हिल्टन में है, आप वैसे तो बड़े वैरागी बताते हैं अपने आप को। श्रील प्रभुपाद ने कहा यही मैसेज कल सुबह पेड़ के नीचे होगा पेरिस हिल्टन के सामने जो फुटपाथ पे पेड़ है, आप में से कितने लोग आएंगे अटेंड करने? सब चुप हो गए, बिकॉज आप लोग आए हैं कि एक स्वामी जी जो पेरिस हिल्टन के कॉन्फ्रेंस हॉल में बोलेंगे तो सुनने आ गए, बोले एक स्वामी जी इंडिया से आए हैं वो पेड़ के नीचे बोलेंगे फुटपाथ पे तो सुनेगा कोई? तो मैं तुम्हारे लिए पेरिस हिल्टन में आया हूं अपने, इसलिए कभी कभी साधु को अपनी दृष्टि से नहीं समझना चाहिए। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विघे ना बुझाए, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड डिवोटी बाय जस्ट हिज एक्शंस, उसके भाव नहीं जानते आप गाड़ी में बिठा के ले जा रहे हैं, सोच रहे वाह वाह देखा गुरु जी के फ्री में मजे आ रहे हैं, गाड़ी घूम रही है, लेकिन वो तुम पर कृपा करने के लिए बैठा, वरना वो पैदल चलेगा उसको क्या दिक्कत है, वो तुम्हें कर्म बंधन से काटने के लिए तुम्हें एक सेवा का मौका दे रहा है ना। मंदिर में लोग दान देते हैं, कहते हैं हमने दान दिया, तुमने क्या दान दिया,
वो जगतपति का सारा धन है, वो लक्ष्मीपति है, वो चाहेंगे तो ऐसे 2 मिनट में बना लेंगे, और तुम नहीं दोगे तो क्या बनेगा? नहीं, कोई सेवा आज तक रुकी है? कोई फेस्टिवल है जिसमें आपने दान ना दिया वो रुकी है क्या? अरे आपने मुझे आज तक दक्षिणा नहीं दी तो क्या मैंने रोटी नहीं खाई? लेकिन अगर देंगे तो मन में क्या भागा? देखा हम देते ऐसे चलते हैं इन लोगों के घर। ये थॉट ही गलत है, क्योंकि आपने साधु को भिखारी समझ रखा है। साधु को साधु समझेंगे ना कि सिद्ध है, ये साधना करता है, ये भगवान के क्लोज है, तो आपका थॉट ही बदल जाएगा पूरा। फिर आप कहेंगे मुझे कोई सेवा दे दीजिए, प्लीज कोई सेवा दे दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए, मुझे सेवा दे दीजिए, है ना। सेवा की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। शांता आगे है, साधवा। साधवा का मतलब क्या है? साधवा का मतलब है वो व्यक्ति साधु है जो शास्त्र से बोलता है, अपने मन की नहीं, कि आप सबको अच्छा रहना चाहिए, घर में किसी से द्वेष मत रखिए, प्यार से बोलिए, कभी कभी पत्नी को आई लव यू कह देना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से ये कौन सी स्पीच है? अपने मन की बोलते रहते हैं, दुखी होते हैं तो उन दुखों को व्यक्त करते रहते हैं। कई कई आप देखेंगे रील्स देखिए, उसमें शायरियां आ रही हैं, मुझे प्रेम ना मिला, मुझे मोहब्बत मोहब्बत ना मिली, मुझे ये ना मिला, और लोग बोले क्या बोला क्या बोला, वो अपने दुखों को रो रहा है, आपका दुख बढ़ा रहा है, आप दुख बढ़वा रहे हो। एक्चुअली आपके जीवन में शांति कहाँ ला रहा है? क्योंकि वो शास्त्र से नहीं बोल रहा है, वो अपने मन की बातों को पिरो करके अच्छे शब्दों में। तो दे कैन बी गुड स्पीकर्स बट दे आर नॉट गुड डिवोटीज। They can be good orators, but they are not good sadhus. तो orator चाहिए जीवन में कि साधु चाहिए जीवन में? Speaker चाहिए या साधक चाहिए, है ना? लोग बोलते हैं कई सारे social work करते हैं लोग, गरीबों की मदद करना, ये करना, वो करना, उन्होंने सब कुछ किया जीवन में, लेकिन शास्त्र के अनुसार नहीं चले, तो भगवान की दृष्टि में वो कौन है? भगवान की दृष्टि में वो लो ग्रेड, अपग्रेडेड नहीं है। जब तक वो भगवान से नहीं जुड़ा, चाहे उसने कितना भी किया हो, हाथ से खून पी करके निकाला हो लोगों का, गरीबों का मेडिसिन दी हो, लोगों के घर जाके उसने मेहनत करी हो, फिर भी भगवान की दृष्टि में वो ठीक नहीं है। भगवान की दृष्टि में ठीक नहीं है, क्योंकि सोशल वर्क भगवान ने नहीं बोला कि सोशल वर्क करना है। भगवान ने क्या कहा? यम शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम करात न साम सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। कौन सा अध्याय? 16वां अध्याय 23वां श्लोक। शास्त्र विधि से अपोजिट काम नहीं करना, जो शास्त्र में लिखा है वैसे काम करो, आपका जीवन साधवा। साधवा मीन्स वन हु इज अबाइड बाय स्क्रिप्चर्स, जो शास्त्र की दृष्टि से चल रहा। वस्त्र पहने तो कौन से पहने? जो शास्त्र में लिखे। तिलक लगाए तो कौन सा लगाए? जो शास्त्र में लिखा हो। खाना खाए तो कौन सा खाए? जो शास्त्र में लिखा हो। मेरी मर्जी पर चलते हैं वो साधु नहीं है। कि शरीफ है तो बड़े साधु हैं, बड़े साधु आदमी है, बड़ा शरीफ है। शरीफ क्या करेगा? शरीफ है, रात को वो नॉनवेज खाता है, क्या बात का शरीफ है? शरीफ है वो, प्याज खा रहा है बढ़िया से, है मन में जेलसी रखी हुई है, सारे अपने रिश्तेदारों से इरिटेट होता है, चिढ़ता है लोगों से, कम्युनिटी में बात नहीं करता, लेकिन जब मिलता है तो चुप रहता है, बड़ा शरीफ है, चुप रहता है, शरीफ है। अरे चुप रहने से क्या होगा? बोले बड़ा सोशल वर्क करता है, इतना अन्नदान करता है, इतने सारे लोगों को सेवा करता है, बड़ा साधु है। नहीं, साधु का लक्षण है शास्त्र की दृष्टि से चलना। अब इस कौन है? शास्त्र से चलती है, लेकिन उसके साथ में भगवान का भोग लगा करके प्रसाद बांटती, गरीबों को खाना देती है, नो प्रॉब्लम। प्रसाद से हम खाना नहीं ले रहे हैं, पेट नहीं भर रहे हैं, उनकी चेतना को शुद्ध कर रहे हैं, तो कॉन्शियसनेस में काम कर रहे हैं, पेट पे काम थोड़ी कर रहे हैं। और साधु भूषणम, साधु भूषणम क्या मतलब है? साधु भूषणम, भूषण मतलब क्या होता है? हाँ जी, क्या कहते हैं? अटोनमेंट, क्वालिटीज, सात्विक नहीं, कौन सी क्वालिटी? साधु क्वालिटीज। सात्विक की बात नहीं हो, सात्विक रसोई बहुत चल रही है मार्केट, जैन फूड भी चल रहा है, सात्विक खाना खाता है, जैन फूड खाता है, तो क्या वो साधु हो गया? चिड़िया तो कभी प्याज नहीं खाती, अंडा नहीं खाती, तो साधु हो गई? बहुत सारे वेजिटेरियन जीव है, गाय भी घास खाती है, नॉन वेज नहीं खा रहे, तो
कौन किसकी शेल्टर लेंगे? हु इज साधु? साधु भूषण मतलब जिसने वैष्णव एटिकेट रूपी भूषण को धारण किया, वैष्णव सदाचार को धारण किया। हमारी कल्चर का वैष्णव एटिकेट क्या है? पुरुष क्या पहनते हैं? कहाँ है? पुरुषों के पास नहीं है। माताएं क्या पहनती हैं? कहाँ है साड़ी? कहाँ है साड़ी? अलमारी में सड़ गई। धोती कुर्ता धोलने गया है। ये हम परिधान ही नहीं पहन सकते। अभी आप कहेंगे वस्त्र से क्या होता है, वस्त्र से क्या होता है? प्रभु जी दिल की बात देखो तो फिर दिवाली पे तैयार क्यों होते हो? गंदी सी मिट्टी वाली साड़ी पहनकर पूजा लक्ष्मी जी नहीं स्वीकार करेंगी, तब तैयार क्यों होते? बताओ इसका रीजन बताओ। तो ये तैयार नहीं है, ये भगवान नहीं। इस टाइम पे कहाँ है? मट्टी है, पत्थर है, तैयार तो नहीं होते जाए। लेकिन साधु भूषण नहीं है ना। 15 अगस्त होता है तब सोसाइटी में लोग क्या पहनकर जाते हैं झंडा फहराने? क्यों? झंडे झंडे में ज्यादा जोश निकलता है, है? तो स्पिरिचुअल ड्रेस कुछ नहीं है। सो एक्चुअली वी आर नॉट फेथफुल टुवर्ड्स शास्त्र। हम ना साधु को रिस्पेक्ट करते हैं ना शास्त्र को करते हैं, हम सिर्फ डेकोरम का ड्रामा कर रहे हैं। ठीक है, हमें बुला लेना चाहिए साधुओं को, थोड़ा आएंगे, थोड़ा सत्संग हो जाएगा, थोड़ा वातावरण अच्छा खुशबू हो जाएगी, थोड़ा धूप बत्ती जल जाएगी। ठीक है, नॉट मोर देन दिस। इफ यू डोंट नीड, व्हाई कृष्णा विल इंटरफेयर इन योर लाइफ? सड़ो गलो मरो, संसार में हजारों करोड़ों मर रहे हैं, कृष्ण इंटरफेयर नहीं करते हैं। उन्होंने सूक्ष्म आजादी दी है, जो जस करही ते तस फल चाखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। जो जैसा करेंगे उनको वैसा भरना पड़ेगा। जो भक्ति करेंगे उन्हीं को भगवान मिलेंगे, जो भक्ति नहीं करोगे भगवान नहीं मिलेंगे। यू हैव टू फॉलो। इसलिए वैष्णव भूषण है। नरसिंह मेहता कहते थे गोपी चंदन तिलक, ये क्या है? ये ही तो मोर गहना, ये मेरा गहना है। मुझे हार नहीं चाहिए सोने का, क्या चाहिए? कंठी तिलक। ये है वैष्णव भूषण, साधु भूषण। शास्त्रों पर रहना, साधु गुणों को, विनम्रता, सहनशीलता, दूसरों का सम्मान करना, सबकी रिस्पेक्ट करना, शास्त्रों पर चलना, इन भूषणों को जो धारण करता है तो कितने गुण हो गए साधु में? कौन कौन से? तितिक्ष्वा, एक एक करके बताएंगे सारे इकट्ठे। नहीं वो कंस कहते थे, नहीं नहीं कलेक्टिव क्लास हो जाएगा, वी नीड इंडिविजुअल क्लास, कलेक्टिव नहीं चाहिए। ओके, सो वन वन फर्स्ट प्रभु जी बताएंगे तितिक्ष्वा। तितिक्ष्वा मतलब कैसा? सहनशील। कैसा सहनशील? अत्यधिक सहनशील, सहनशीलता, टॉलरेंस। तितिक्ष्वा जी करुणा, दया हो उसके अंदर। कैसी दया हो? कौन है दयावान? क्या होने असली दयावान? जो दूसरों को कृष्ण भक्ति का ज्ञान देता है वही करुणावान है। ये नहीं कि कोई सड़क पर जा रहा था, आपने हाथ पकड़ के क्रॉस करा दिया। एक औरत को, एक बच्चे स्कूल जा रहा था, उसने एक औरत का हाथ पकड़ के क्रॉस करा दिया, उसने खींच के चाटा मारा। कह रहे क्यों माता, मारती क्यों? कह रहे बड़ी मुश्किल से तो मैंने आधी रोड क्रॉस की थी, तूने मेरे वापस वहीं ले आया जहाँ से शुरू किया। तो आपको नहीं पता चलेगा आप सच में सेवा कर रहे हैं क्या। तो करुणावान वो है जो लोगों को भगवान के बारे में ज्ञान देता, वो करुणा है। करुणावान मतलब वन हु टेल्स अबाउट गॉड टू अदर्स, दैट इज करुणावान। वो है असलियत में लोगों के ऊपर मर्सीफुल। इसे लोग बोलते ना योर मर्सी प्रभु जी। मर्सी मतलब क्या? यू टेक माय मोर कथा, दैट इज मर्सी। इफ यू हियर मोर कथा, दैट इज मर्सी। मर्सी कम्स इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। मर्सी से सिर पे हाथ लगाने से मर्सी मर्सी नहीं है। तितिक्ष भाग करोने का तीसरा गुण क्या है प्रियंका माता जी? जो सारी जीवों का सुहृदम, लव लिविंग, लविंग विद एवरीवन, फ्रेंड टू ऑल, सबका मित्र हो ना। फिर फोर्थ क्या है? सर्वदेहिनाम, प्रभु जी ने जैसे बोला सुनील जी, सारे जीवों से जो प्रेम करे, जहां तक कि चींटी कॉकरोच मच्छर को भी न मारे। सर्वदेहिनाम, सर्वदेहिनाम, देही जो धारण करते हैं, सर्व यानी ऑल, इट इज नॉट ओनली सर्व ह्यूम, सर्व नर देहिनाम नहीं बोला, सर्वदेहिनाम, ऑल द स्पीशीज 84 लाख। देन फिफ्थ क्वालिटी अजात शत्रु,
कोई शत्रु ना हो ना वो किसी से शत्रु ना रहे। हाँ, उसके तो हो भी सकते हैं लेकिन वो किसी से ना रहे, अजात शत्रु। और सिक्स्थ क्वालिटी शांत, पीसफुल, ऑलवेज पीसफुल, शांत रहे, पीसफुल। एंड देन शास्त्र का गुण हो साधवा, साधवा का मतलब साधवा, जो साधन के रास्ते पर साधक चल रहा है, एज पर स्क्रिप्चर्स नॉट एज पर ओन विल्स। एंड एट इज साधु भूषण हो उसके अंदर, यानी उसके अंदर वैष्णव क्वालिटीज, वैष्णव एटिकेट्स हो, शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जीता हो। तो इस आधार पे आप किसी व्यक्ति को जज कर सकते हैं, ये साधु है कि स्वादु है, सिर्फ भोजन खाता खाता है, वाह माता जी आपके घर आते रसमलाई बड़ी अच्छी मिलती है, वाह उन वाली माता जी के पराठे बड़े अच्छे हैं, फिर लोग बना के जाते गुरु जी आपके लिए ये वाला घर से बना के लाई हूँ स्पेशल, लाइए लाइए स्वादु कि स्वादु। सो वी नीड टू, हाँ, योगी या भोगी, यस। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई। 500 रुपये का नकली नोट भी है और असली भी है, लेकिन कैसे पता चलता है? आरबीआई की गाइडलाइंस। ऐसे साधु नकली है कि असली है कैसे चेक करेंगे? भागवत की गाइडलाइंस 8 पॉइंट्स चेक कर लो, अगर मैच होते हैं ही साधु, अदरवाइज स्टे अवे, इवन यू कैन स्टे अवे फ्रॉम मी, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू चेक। अंधविश्वास नहीं करना है, क्या तुम भी अंधविश्वास प्रभु जी के पीछे पीछे चलते हो? चेक एंड देन फॉलो, एंड वंस यू स्टार्ट फॉलोइंग दे डू नॉट लुक बैक, दे डोंट गो बैक, बिकॉज अब आप चेक करके चल रहे हैं। गुरु जी ने कुछ कह दिया, फिर बुरा मान गया, फिर आप में कहां गया वो शांता वाला भाव, कहां गया सहनशीलता वाला भाव? सो फॉर होल लाइफ नाउ यू हैव टू फॉलो, पहले जज करो देन फॉलो करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास, और फिर विश्वास करो उसके बाद दोबारा पीछे, ठीक है? हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू।